हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हो सब ठीक होंगे? हम सब भी अच्छे हैं। तो आज है छोटी दिवाली, हमारी फैमिली की ओर से आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये भी बोल रही है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वहाँ पे वो खड़ा है, इसका वही काम है, वही खड़े रहता है सारा सारा दिन, वहीं खड़ा रहता है वो। और तबीयत थोड़ी सी डाउन है और खेकड़ा खाने का मन था आज, तो श्रेया को बोली थी आज और खेकड़ा बना के दे के जा, तो वो भी आई हुई है। ये देखो किचन में जीजा और साली। क्या ये फिश? कौन सी फिश है ये? लेडीज फिंगर। और वहाँ पे खेकड़े, तो ये वाली मच्छी है, ये हल्दी और नमक डाल के धोए तो बास नहीं मारती। और ये भी लाए सुरमई और उसका जो भी ये सब खत्म हो जाती है। खेकड़ा, मच्छी, सुरमई सब बनेगा आज, क्योंकि कल वेज खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे कल, इसलिए आज नॉन वेज खा लेंगे। ये सांबर मसाला, इसको हम फिश फ्राई में यूज करेंगे। चैनल बनाओ खुद का, खुद भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। थोड़ा मैं फलक को बोल रही हूँ, खुद का चैनल बनाओ और ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। उसके बाद हम डालेंगे ये आची मसाला फिश फ्राई का, इससे इसमें इसको डालते हैं तो स्वाद आता है इसको। ये साउथ इंडियन ब्रांड है अच्छी मसाला, इससे कलर भी आएगा और टेस्टी भी बनेगा। इसको हम सिर्फ दो पैकेट डालेंगे क्योंकि इतना फिश पैकेट, इतना फिश फ्राई करना है। इसमें से भी ले ले मच्छी। छोड़ दिया दीवा तेरा, तेरे मना किया था मैं क्या? दी दी दी, ये भी मत कर रहा मुझे कर। लहसुन नहीं और लहसुन अदरक का थोड़ा पेस्ट, करेंगे पानी थोड़ा भर। अब इसको हम मिक्स करेंगे, पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो ऐसे पानी डाल के मिक्स करके रख दिया। अब इसमें एक एक फिश डालेंगे, थोड़ा फिश हम फ्राई करेंगे, थोड़ा ग्रेवी में डालेंगे। सुरमई है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे इसमें। हम ग्रेवी में डाल देंगे, ये दोनों ग्रेवी में डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर। इसको अब हम बंद करके फ्रीजर में रख देंगे, फ्रीजर में रख। क्या करता है?
पानी भी डाल के रखा था 15 मिनट पहले। टमाटर और इमली से, टमाटर है और इमली पानी डाल के रखा है। अभी इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, वो कर लेंगे, मश कर लेंगे, मैश कर लेंगे, मैश कर लेंगे। साउथ इंडियन स्टाइल बना रहे हैं, बोल। आज हम साउथ इंडियन स्टाइल ग्रेवी बना रहे हैं। मीन कॉर्न बोलते हैं इसको, मीन मतलब फिश, कॉर्न मतलब करी, मीन कॉर्न। और वो टमाटर भिगो के रखा था ना पानी में, उसको निकाल दिया, इमली को निकाल दिया। अब सिर्फ पानी और टमाटर है, ओके। अब इस पे जाएगा, ये हमारा सांभर मसाला, साउथ इंडियन सांभर मसाला है। इसमें थोड़ा मतलब 2 स्पून, 2 या 3 स्पून बड़े बड़े डाल देना है। थोड़े हल्दी, धनिया पाउडर है, थोड़े धनिया पाउडर, चिली पाउडर थोड़ा ही डालेंगे। अब इसको अच्छे से मैच कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ऐसे मिक्स होने के बाद थोड़ी देर इसको रख देंगे हम। फिर अब एक तपेला रख दिया है, अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तपेला गर्म होने के बाद इसको थोड़ा ऑयल डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा मीट, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, स्वाद आ प्याज, प्याज को रखते रहे। उसके बाद टमाटर डालिए, पहले डालें ताकि टमाटर पक जाए अच्छे से।
पकने देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे, पकने के बाद हम पीस डालेंगे, थोड़ी देर पक जाए उसके बाद हम बताएंगे डालते। इसमें इमली का और टमाटर का पानी डाल दिया। ग्रेवी थोड़ा उबल रहा है, इसमें अब फिश डाल देंगे। फिश पक जाए 15-20 मिनट तक। काट के रखें और लहसुन छील के रखें। अब थोड़ा अदरक, इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा। अब थोड़ा अदरक लहसुन को छील के रखेंगे और टमाटर को प्याज का कटा हुआ थोड़ा सा हल्दी डाल दें। टमाटर पक जाए थोड़े हरी मिर्च भी डाल देंगे। पैन में हमने तेल डाल दिया है, थोड़ा अभी तो फ्राई कर देते हैं। सबको डाल के फ्राई कर देंगे ना। किस चीज़ का पेस्ट है ये? लहसुन अदरक प्याज और लहसुन अदरक प्याज टमाटर और नारियल, नारियल का पेस्ट। ये सब पहले इसको भूने थे ना? हाँ, भून के फिर इसको मिक्सर में पीस दिया था। थोड़ा
गैस पे ढक देंगे नहीं है मेरे पास टेंट हाउस नहीं है ना ओदन तरह नहीं कहाँ है बता तुम्हें को तुम्हें क्या मैं तो दो कहाँ से तो ऑर्डर में थे ऑर्डर में से फोन में से ऑर्डर करे थे ना पी ऑर्डर करो मेरे पास पैसे नहीं है मम्मी को बोल जा दो ना मारता तो मम्मी को बोल ना उसमें चिपकली है जाके मम्मी को बोल ना दो तो मैं कहाँ से बोलूँ तू मम्मी को बोलेगी जब तो बोलूँगी ना मेरी प्यारी दीदी मैं तो दूरा दूरा चल हट यहाँ से हट जा मैं बैठी हूँ यही रूम में पूरे रूम में टेंट हाउस तक ढूंढ तू जाके कहाँ है वो टेंट हाउस है रख दे उसको रख उधर नहीं है बाहर बाहर नहीं है
फोन है क्या? मेरा फोन किधर है? पता नहीं। दे दे टेंट हाउस इसको। ये इसको बोल रही है ढूंढ कहाँ है? तो ढूंढ तो सही पहले। ये मोरी ना तेरे को नहीं मिलेगा तो दे। ये चीटिंग होती है। बराबर। अब निकाल चल। क्यों तो चीटिंग क्यों की? डैडी ने तेरे को बताया चल। हट। रुक मैं निकाल रही हूँ। नहीं हुआ तो चीटिंग कर रही है। ले आज जोड़ेंगे इसको। यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है। चिमनी ऑन है ना? गैस ऑफ कर देते हैं। फिश फ्राई हो रही है वहाँ पे। क्रैक्स बन रही है। ये है नायरा का टेंट हाउस। अरे ये तो टर्टल हाउस हो गया। जैसे टर्टल जैसी मुंडी बाहर आ रही है। टेंट हाउस है कि टर्टल हाउस है ये? तू टर्टल है? तू टर्टल है क्या? हाँ यहाँ पे फिश भी फ्राई हो गई है। बस ज़्यादा मत करो, जितना खाना उतना ही करते। बना के इसकी हालत ख़राब हो गई है। बैठ गए खाने को, बहुत लेट हो गया है। क्रैप्स अच्छा ये रसम टाइप पे ग्रेवी टिक्की और ये रहा क्रैप्स और ये फिश। मुझे तो फिश टेस्ट करनी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी। इसका नाम है लेडीज फिंगर और ये है सुरमई। ये वाली फिश फर्स्ट टाइम ट्राई। मांदली जैसा टेस्ट है। जल्दी जल्दी आ जाओ सब खाने, पेट पेट भर के खाएंगे। ये सुरमई फिश तो। अभी हम निकले हैं मार्केट के लिए। सबके सब जा रहे हैं। इसको भी जाना है मार्केट, मुझे भी जाना है मार्केट। सारे के सारे जा रहे हैं। फिर भी आ रही हूँ। कैसा लग रहा है नायरा का ड्रेस? पर्स दिखाओ, पर्स। और अनस का देखो। यहाँ पे देखो सारे निकल गए। म्यूजिक आएगा तो ब्लॉगिंग। ओहो अनस भी जा रहा है। सारे निकल गए। पूरे रोड पे देखो कितने अच्छे से लाइटिंग लगाई है। मम्मी बजट है ना यहाँ पे उतना ही भाव। ये है बापू नगर भीड़ मंजन मार्केट। वैसी भीड़ है नाम के हिसाब से। भीड़ मंजन मार्केट वैसी भीड़ है। निकलते टाइम अपन उधर से निकल लेंगे। उधर से हाँ, उधर से भी है रास्ता, इसलिए बोल रही हूँ लास्ट। यहाँ तक गाड़ियाँ लगा है, इतनी रश है। लाल दरवाजा से भी बड़ी मार्केट है। तो फ्रंट दिखा दे इधर से, फिर गाड़ी निकलने के रास्ते। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है गाड़ी जाने को। देखो यहाँ तक लगा है गाड़ियाँ। कैसे जाएगी गाड़ी कोई भी? जब हम अहमदाबाद में आए थे स्टार्टिंग में, पहले घर यहीं पे रहते थे हम। वहाँ पीछे गाड़ी रख दी है और हम जा रहे चल के तीनों, क्योंकि बहुत भीड़ है अंदर और बच्चे वगैरह ले नहीं जा सकते। ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे दिख रहे अच्छे कपड़े, तो अभी ऊपर जा रहे हैं। छोटी सी शॉप। ये वाला अच्छा लगा मुझे तो। ये अच्छा कलर नहीं है इसमें। कलर इसमें एक ये कलर ब्लू कलर। ये देख इसका दुपट्टा मस्त लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। कलर पहना हुआ है। हाँ कलर
पर इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है ये वाला। दुपट्टा इसका अच्छा है पर ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा। दुपट्टा ऐसा है सिल्की सिल्की सा। कितना पड़ेगा? 2550। 2550 दस टका लेग मतलब 250 रुपये लेस। ये पिंक वाला फाइनल किया है। अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है। देखो कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस अभी वो देख रही है। ये वाला अच्छा लगा है। ये वाला देख रहे येलो कलर श्रेया दिला रही है। अच्छा लग रहा है। सूजी की पूरी है दही पूरी। भैया एक प्लेट बना दो। देख यहाँ पे भी चप्पल है। जा देख क्या जा चप्पल की दुकान। काफी दूर खड़ी किए थे और भीड़ अभी भी देखो भीड़ वैसी की वैसी और भीड़ वैसी की वैसी है अभी तक। नहीं इसलिए इसका नाम भीड़ बन जाए इसीलिए मार्गी का नाम भीड़ बन जाए। रास्ता जगह ही नहीं है जाने के लिए बिल्कुल। पार्लर दोनों जा रहे पार्लर। इतनी देर से बुला रहा मेरी बेटी को मांगे आ जा के आ जा तू आई नहीं रहा। इसका तो अलग ही चलता रहता है। चलो अभी चलते थोड़ी देर फ्रेंड के घर। अयो तो किसका बेटा है? जल्दी बोलो ना। किसका बेटा है? ई करके दिखा दो। ई करके दिखा दो। हंस के दिखा दो। हंस के दिखा दो। ये मेरा भाई है। मेरा हाय गाइस ये मेरा हाथ है और ये इनका बेटा है। ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। देखो ये बेटा दिखने दिए थे। अभी हम निकले हैं यहाँ से उसके घर से आफरीन के और वो लोग को टाइम लगेगा तो लोग आ जाएंगे अपना कैब वैब करके। तो अभी हम निकले हैं घर पे जाते हैं चावल बनाने हैं। खाना तो रखा है दिन का। चावल बनाने हैं थोड़े। चावल बना देती हूँ और दिए भी लगाने हैं। थक भी गई हूँ मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे थक गई हूँ। अच्छा यस अभी आ गए घर पे। ये सारा सामान लेके आए हैं। टीवी ऑन करती हूँ बिग बॉस लगाती हूँ। ऐड आएगा तो चावल बना लूंगी।